और अगली खबर श्रावस्ती जनपद के इकौना से, जहां पर अधिवक्ता संघ के द्वारा रजिस्ट्री कार्यालय पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन शुरू किया गया। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर श्रावस्ती जनपद के इकौना इलाके से है, जहाँ पर अधिवक्ताओं में लगातार रोष बढ़ता जा रहा है। हापुड़ की घटना को लेकर सरकार के अड़ियल रवैये के चलते बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा अनवरत हड़ताल व मांगों के संबंध को लेकर आज अधिवक्ता इकौना के रजिस्ट्री कार्यालय पर पहुंच गए। जमकर नारेबाजी करते हुए यहां पर अपना धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। श्रावस्ती जनपद के इकौना इलाके के रजिस्ट्री कार्यालय की ये तस्वीर है, जहाँ पर इकौना के भारी संख्या में अधिवक्ता पहुँचे और नारेबाजी करते हुए ये लोग यहाँ पहुँचे तथा अपना धरना प्रदर्शन शुरू किए। अधिवक्ताओं का कहना है कि सरकार तक उनकी बात पहुँचे और उनकी मांगों को सुना जाए, जो उनकी मांग है उसे पूरा किया जाए, जिससे हड़ताल खत्म हो सके। देश में आज 15 दिन से लगातार जारी है और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने कल बैठक करके ये निर्णय लिया है कि दिनांक 13 और 14 को हम लोग सभी अधिवक्ता साथियों से निवेदन करेंगे कि आप सभी लोग बैठ जाएं। साथियों, पूरे प्रदेश का अधिवक्ता रजिस्ट्रार कार्यालय के सामने शांतिपूर्वक धरना देगा। इसी क्रम में हम लोग सब रजिस्ट्रार कार्यालय के सामने अपनी मांगों को लेकर के शांतिपूर्वक धरना देने आए हैं और हम मीडिया से अनुरोध करेंगे, यहाँ के वायु से अनुरोध करेंगे कि हमारी मांगों को उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया तक पहुंचावें। जो हमारी मांगे हैं कि हापुड़ में जिस तरीके से अधिवक्ता जा रहा है, उसको पूरा उत्तर प्रदेश का नहीं पूरे देश का अधिवक्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। और जो भी संघर्ष आप बनाएंगे भाई, जो भी देश करेगा, हम उसके लिए तत्पर। कहाँ जाते हो? दोषी पुलिस कर्मियों को